हेलो फ्रेंड्स, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्रिज ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फ्रिज को मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, उससे पहले मैं आपको फ्रिज को अंदर से दिखा देती हूँ। और हमारा फ्रिज है किचन एड का। फ्रिज के साइड का जो डोर है ना, उस पर हम ढेर सारी बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे जो दोनों कंटेनर है ना, उसमें हम वेजिटेबल्स रखेंगे। वेजिटेबल्स के कंटेनर के नीचे जो ट्रे है ना, उसमें हम ढेर सारा मसाला भी रख सकते हैं। बड़ी साइज की ट्रे है ना, तो उसमें ढेर सारा मसाला आ सकता है। तो फ्रिज मैंने आपको दिखा दिया है, वो नीचे वाला लेवल है ना, वही लेवल पर फ्रीजर है। तो फ्रीजर की साइज भी अच्छी खासी है, उसमें ढेर सारी फ्रोजन चीजें हम रख सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रीज को अंदर से मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए, ये फ्रीज में हम सबसे पहले वेजिटेबल्स रखने वाले हैं ना, तो उसको मैंने अच्छे से धो के ही टॉवेल में रख दिया था 2 से 3 घंटे से पहले। तो वेजिटेबल्स है ना, हमारा ड्राई हो चुका है। तो मैं जब भी फ्रीज में वेजिटेबल्स को रखती हूँ ना, तो सबसे पहले वेजिटेबल्स को धो लेती हूँ। धोने के बाद एक बड़े टॉवेल पर मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, एकदम ड्राई हो जाता है। उसके बाद ही मैं टिश्यू पेपर में कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस तरह से प्रोसेस करने से वेजिटेबल्स है ना, हमारा 2 से 3 वीक तक बिल्कुल खराब नहीं होता। नहीं तो कई बार भिंडी बैंगन है ना, 1 वीक में खराब हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली ठंडी की हीट है ना वेजिटेबल्स पर लगती है ना, तो उसकी वजह से हमारा वेजिटेबल्स है ना खराब हो जाता है। तो मैं इस तरह से टिश्यू पेपर से ही कवर करके वेजिटेबल्स फ्रिज में रखती हूँ। और ये टिश्यू पेपर को हम 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं, मतलब वेजिटेबल्स हमारा यूज हो जाए वो टिश्यू पेपर में फिर से फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी मैं दूसरी बार वेजिटेबल्स लाती हूँ ना, तो उसको मैं धो के फिर से मैं यही पेपर से मैं कवर कर लेती हूँ। मतलब 2 बार हम ये पेपर को यूज कर सकते हैं। और उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कंटेनर में सबसे पहले टिश्यू पेपर लगा के उसके ऊपर हम टमाटर रखेंगे। उसके बाद जो वेजिटेबल्स मैंने कवर किया है ना, वो ऊपर हम रख देते हैं। तो लीजिए, हमने एक कंटेनर में वेजिटेबल्स रख दिया है, दूसरे कंटेनर में हमारा एक्स्ट्रा जो वेजिटेबल्स है ना वो भी रख देते हैं। दोनों कंटेनर रेडी हो चुका है। कंटेनर के ऊपर का जो भाग है ना, उसके ऊपर हम मिल्क का गैलन रखेंगे। तो इस तरह से मैं गैलन रखती हूँ। उसके बाद साइड पर हम दही का पतीला रखेंगे। बीच में चीज का पैकेट है ना, वो मैं रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये वाला भाग ऑर्गेनाइज किया है। उसके ऊपर हम फ्रूट्स वगैरह रखेंगे। तो मैं चेरी, स्ट्रॉबेरी, जो भी मेरे पास फ्रूट्स है वो मैं इस तरह से रख देती हूँ। उसके बाद योगर्ट रखेंगे इस साइड।
और यहाँ पे मैं रख रही हूँ कट किया हुआ वाटरमेलन। उसके बाद हमारे पास नींबू था ना, वो मैं वेजिटेबल्स के कंटेनर में डाल देती हूँ। और लास्ट वाला लेवल है ना, उसके ऊपर हम मिल्क पाउडर की बेग और अंजीर बादाम का आटा वो सारी चीजें हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर की बेग है ना थोड़ी सी बड़ी होती है, बाहर रखने से ये पाउडर खराब भी हो सकता है, तो इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। कम से कम हम 1 साल तक यूज कर सके, कोई टेंशन भी नहीं है खराब होने का। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सारी चीजें रख दिया है, और फ्रिज की साइड पर जो ड्रॉर है ना उसके ऊपर हम जूस एंड सोडा रखेंगे। उसके बाद ऊपर हम अचार की बोतल रखेंगे। तो यहाँ पे हमने कच्चे आम का अचार रखा है, और जो भी मैं अचार रख रही हूँ ना वो सारा का सारा अचार हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद ये है रायता मिर्ची का अचार, उसके बाद रायता गाजर का अचार है, उसके बाद ये है नींबू का अचार, उसके बाद ये है डाबला केरी का अचार। तो इस तरह से मैंने अचार की बॉर्डर रख दिया है। और दूसरी साइड डोर का कंटेनर है ना, वही कंटेनर पर हम जो भी सिरप है वो मैं रख रही हूँ। तो ये बॉक्स में मैंने गोला का सिरप है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिरप है ना वो मैंने रखा है। उसके ऊपर हम सॉस वगैरह रखेंगे, तो सोया सॉस, चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस का सॉस मैंने रखा है। और लास्ट वाले लेवल पर हम टोमेटो केचप, येलो मस्टर्ड सॉस वगैरह रखेंगे। और यहाँ पे मैं जाम की बोतल है ना वो रख रही हूँ। तो फ्रिज की दोनों साइड का डोर और बीच में हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है, और नीचे वाली जो ट्रे थी ना बड़ी साइज की, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला था ना वो मैंने रखा है, मतलब थोड़ा सा ड्राई नट्स, किशमिश और बहुत सारा थोड़ा थोड़ा आटा है ना वो मैंने रखा है, क्योंकि बहुत सारा मसाला थोड़ा थोड़ा बचता है ना, तो हम बाहर रखते हैं ना तो कई बार पता भी नहीं चलता है और खराब हो जाता है। मैं ये सारी चीजें है ना फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रख देंगे ना तो खराब होने का कोई टेंशन भी नहीं है। तो फ्रिज का ऊपर का लेवल हमने कंप्लीट कर लिया है, और नीचे वाला जो लेवल है ना वो फ्रीजर है, फ्रीजर भी हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी हमने ढेर सारा अलग अलग ब्रांड का और अलग अलग मसाला हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, और ये ढेर सारा मसाला है ना वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, मतलब फ्रीजर में रखती हूँ।
और दूसरे कंटेनर में मैंने मोजरेला चीज, मेक्सिकन चीज और कोकोनट वगैरह हमने रखा है, और अलग अलग थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स वगैरह था ना, वो भी मैंने ये फ्रीजर में सारी चीजें रख दिया है। तो इस तरह से मैं फ्रीज को ऑर्गेनाइज करती हूँ और इस तरह से मैं फ्रीज को रखती हूँ। तो मैं फ्रीज को ऑर्गेनाइज कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि चलो वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड ये वीडियो आप अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।